गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर। जी हाँ, जैसे कि सवाल नंबर 1 में बताया जा रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा by 1 plus cos theta। यह आपको प्रूफ करना है LHS और RHS के मदद से। चलिए हम LHS के मदद से इसको प्रूफ करके देखते हैं। cosec theta minus cot theta whole square। तो सबसे पहले आपको इस तरह का सवाल को हल करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए cosec theta का फॉर्मूला हम लोगों के पास पता है। cosec theta का होता है 1 by sin theta minus cot theta। cot theta का फॉर्मूला क्या होते हैं? just tan theta का उल्टा। tan theta होता है sin by cos, तो cot theta होंगे cos by sin। तो cos theta by sin theta का होल स्क्वायर। अब सिंपल सा इसमें आपको LCM ले लेना है। तो sin theta और sin theta का LCM sin theta होंगे। तो sin theta के टेबल में sin theta 1 बार में आता है, तो 1 sin theta के टेबल में sin theta 1 बार में आता है, नेक्स्ट cos theta इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ देंगे, 1 minus cos theta का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर sin theta को हम लोग लिख सकते हैं sin square theta, क्योंकि दोनों में ही स्क्वायर है। अब जो है आपको इसका इक्वेशन निकालना है, 1 minus cos theta का होल स्क्वायर बराबर बाय sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा का क्या होगा? देखिए sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। तो जैसे कि हमें sin स्क्वायर थीटा का चाहिए, तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर जाएगा तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे cos square theta। तो यह आ गया sin square theta का फॉर्मूला, हम लिख सकते हैं 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta। अब हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला में आ गया square minus b square के फॉर्मूला में। तो 1 minus cos theta का होल स्क्वायर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta। और यहां पर जो है a plus b into a minus b का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। तो अब देखिए 1 minus cos theta, 1 minus cos theta कट हो जाएंगे, तो बच गया आपके पास 1 minus cos theta by 1 plus cos theta। This is right answer, आपका प्रूव हो गया। देखिए तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं LHS equal to RHS proved। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आ गया है। अगर इससे जुड़े कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स मैं जल्द से जल्द क्लियर कर सकूं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।